अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब अग्निपथ स्कीम को लेकर जो गुस्सा नौजवानों में है, अब वो बेलगाम शहर या कर्नाटक में भी देखा जा रहा है। आज भी पूरे मुल्क में अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे मुल्क में भारी फसाद तशद्दुद देखा गया। लिहाजा बेलगाम, खानापुर, निप्पानी, हुबली, धारवाड़ में भी एहतजाजी जुलूस निकाले गए, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत फरमाकर मोदी हुकूमत के गलत फैसलों की पुरजोर मजम्मत फरमाई। कांग्रेस MLA अंजलि निंबाड़कर की क्यादत में खानापुर में जुलूस को निकाला गया था। इसी तरह हुबली में भी कांग्रेस कैद सिद्धरामैया ने गलत फैसलों की कीमत कैसे देश के युवाओं को चुकानी पड़ रही है बताया। आज ही अंजलि निंबाड़कर ने हिंदुत्व के नाम पर नौजवानों के हाथ में तलवारों को देकर कैसे नौकरियों से दूर रखा गया और तशद्दुद का माहौल भाजपा की जानिब से नौजवानों को गुमराह करने का एक माहौल किस तरह से बनाया, इस पर खुलकर बयानबाजी फरमाई। इन्होंने कहा कि तलवारों को हवा में लहराते हुए नौजवानों के जुलूस निकाले जाते हैं, फर्जी हिंदुत्व का सबक पढ़ाकर नौजवानों को असल मुद्दों से भटकाया जाता है। लिहाजा एक बार फिर अग्निपथ योजना के तहत महज 4 साल की नौकरी की योजना गोया नौजवानों की जिंदगियों को वक्त से पहले ही खत्म करने के बराबर है। पिछले कई सालों से बेलगाम शहर और अतराफ के नौजवान भी फौज में जाने का ख्वाब लिए तैयारियां करते देखे जाते हैं। कोरोना की वजह से 2 साल तो वैसे भी चले गए, आज भी बेलगाम किला में या फिर मुख्तलिफ जगहों पर कई नौजवान वर्जिश दौड़ की सुबह शाम कोशिश इसलिए करते हैं ताकि किसी तरह फौज में दाखिला मिल जाए। पर अचानक अब अग्निपथ योजना के नाम पर तमाम फौज के इम्तिहानात को रद्द कर दिया गया, जिस पर नाराजगी देखी जा रही है। कुछ नौजवानों ने खुदकुशी तक की धमकी दे दी। इसी तरह धारवाड़ में फिर निप्पानी में भी अग्निपथ योजना की मुखालफत में एहतजाज किए गए। धारवाड़ में पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज करने की भी इत्तला हासिल हुई। आज पूरे मुल्क भर में एहतजाज हुए, काफी तशद्दुद, काफी नुकसान, आज भी ट्रेनों को चलाने की खबरें हासिल हुई है। लिहाजा बेलगाम शहर के साथ हुबली, धारवाड़, निप्पानी के यहाँ के भी मंजर देखते हैं और पूरे मुल्क के मंजरों पर भी एक नजर डालते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। विरोध करण्यासाठी आम्ही इथं आलेलो आहे। आमची रॅली पहिल्याच्या स्कीम प्रमाणे आमचा पहिल्याच्या बॉन्ड प्रमाणे आमचा फॉर्म भरून घेतलेला, कारण काही कारणामुळे आमचे एक्झाम नाही केले आणि आमची एक्झाम रद्द केले। आज मी एक गरीब घराचं मुलं, माझा बाबा नाही आहे, माझी आई आहे, माझी आईची जिम्मेदारी माझ्यावर आहे, माझ्या घरची जिम्मेदारी माझीवर आहे। जर मला नोकरी नाही मिळाली, माझ्या मनात परवा अशी शंका आली की रात्री 1:30 मी खरोखर गोष्टी सांगायला मला डोळ्यातलं पाणी ओले, मला फाशी लावून घ्यायचं माझ्या मनात पाहुणा आली। गेल्या 4-5 वर्षापासून मी गेल्या 4-5 वर्षापासून मी आलेला मोदी सरकारनी, बीजेपीच्या नालायक सरकारनी जो अन्याय युवांवर केलेला आहे तो कुठेतरी थांबवली, आणि आज माझी 2000 पोरं जी उद्या फौजी होणार होती ती आता बिननौकरीच्या परिस्थितीत आलेली आहे। म्हणूनच तुम्हाला सपोर्ट करायला, तुम्हाला नोकऱ्या मिळू दे, तुमचं घर भरू दे, म्हणून मी आज तुम्हाला सपोर्ट द्यायला इथे आलेली आहे। की ज्या युवांच्या हातात त्यांनी तलवारी देऊन भडकवायचं हिंदुत्वाच्या नावाने केलं, आज त्याच युवांवरती अन्याय करून पोटाला भाकरी द्यायला भाग पाडवलेलं आहे या मोदी सरकारने। आज नुसतं युवाच नाही, तुम्ही बघितलं तर प्रत्येक पोराला, प्रत्येक महिलेवर अन्याय चालू आहे, आणि ह्यांचे फक्त आणि फक्त स्लोगन्स देणं ह्यांचं चालू असते। काय तर 10 लाख जॉब देणार, 15 लाख अकाउंटमध्ये घालणार, बेटी बचाव बेटी पढाओ, ही सगळी जण म्हणायला लागलेत की ह्यांना भरती न करता ही देशद्रोही झाली आहे, ही पोरं देशद्रोही म्हणायच्या लेवल पर्यंत ही मोदी सरकार आलेलं आहे, आणि त्याचे आंदोलन भक्त सुद्धा आलेले आहेत। का तर फक्त ह्यांना नोकऱ्या त्यांना जमत नाहीये, आणि 21 वर्षाचा मुलगा 23 वर्ष एकच वर्ष त्याला जर पुढे मिळत असेल तर तो कसा जाणार आणि कुठे जाणार, आणि आता त्याच्या आई वडिलांनी जे 2-3 वर्ष आशा बघितली
कि माझ्या मुलाला आता नोकरी मिळालेली आहे, त्यांनी कुठे जायचं आज हा मोठा प्रश्न तालुक्यावर आहे, म्हणून मी तुम्हाला इथे सपोर्ट करायला आलेले. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರೋ ಪದ್ಧತಿನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇರೋ ಪದ್ಧತಿನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಸೈನಿಕ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವೋ? ಹಾಂ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಯು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅಗ್ನಿಪಥ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇವರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. अब पुलिस वाले भागी हैं, अब पुलिस वाले भागी हैं. टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं. यह प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए. भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है. हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे.
आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम अपनी जान देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहनते तो। अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं, हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक, अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने, हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज उठाओ चाहे कल, हम नहीं जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। जैसा कि आप सबको पता है कि स्कॉलरशिप्स और स्कीम्स, गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स दे रखे हैं, कॉरपोरेट ने और एनजीओज ने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स और स्कीम्स दे रखे हैं हमारे बच्चों के लिए। पर चूंकि हमारे बच्चों को इस बात का पता नहीं है, अब प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट ले रहे हैं। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो समाज के सोशल वर्कर्स हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो समाज के स्कूल के ओनर्स हैं, ये या फिर तमाम जो लोग हमारे मिल्लत के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये अब इनकी जिम्मेदारी है कि जो बाकी जो बच्चे जो नहीं पढ़ सके, ये जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी उठाएँ। तो जिम्मेदारी उठाने के लिए हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम उनको अपना पैसा दें, हम उनको डोनेट करें। कभी कभी उनको कनेक्ट करवा कर देना गवर्नमेंट से, कॉरपोरेट से, बहुत अहम होता है। और इस तरह से जब हम करते हैं तो बच्चों को एक हौसला मिलता है कि चलो हमारा फ़ीस का तो मसला कम से कम सॉल्व हो गया। और जब फीस का मसला सॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट होते हैं कि हाँ अब हम आगे पढ़ सकते हैं। जो बच्चा दिन रात इस चीज़ के लिए परेशान है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, वो पढ़ाई में ध्यान कहाँ से रखेगा? और जब आपको पता है कि सरकार के पास स्कीम्स है, स्कॉलरशिप्स है, वैसे वैसे स्कीम्स है जहाँ आप अपने एजुकेशन को फ्री में पूरा कर सकते हैं, 50% फीस देके कर सकते हैं, वैसे वैसे स्कीम्स है, स्कॉलरशिप्स है जहाँ आप अपने, जहाँ बच्चे को कुछ भी फीस ना पे करना पड़े, सिर्फ फॉर्म भर करके स्कॉलरशिप मिल जाए, तो क्यों ना वो बच्चा पढ़े और क्यों ना वो बच्चा स्कॉलरशिप के सारे बेनिफिट्स ले। ऑब्वियसली ये हमारे टैक्स का पैसा है। हाँ, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे बेलगाम की टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं बाशेबन फाउंडेशन का, हमारे मदनी फाउंडेशन, हमारे DHF और अंजुमन इस्लाम। तो इन सब लोगों ने ये एक पहल किया है बेलगाम में ताकि हम हर वो आखिरी बच्चे तक पहुँच सकें और इस स्कॉलरशिप को हर आखिरी बच्चे तक पहुँचा सकें जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने हमारे बच्चे को दे रखा है। यहाँ हम सब मिलकर एक CDC जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया हमने, जिसका काम ही वही है कि बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन को टिक करें, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं बने हैं तो उनको बनाएं, अगर बन गए हैं तो उनमें कुछ करेक्शन है, कुछ एरर है वो ठीक करें और हर तरह से उस बच्चे का मदद करें, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करें, उनके फॉर्म को फिल करें ताकि बच्चा अपने पढ़ाई पर ध्यान दे ना कि दूसरी चीज़ों पर। और आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो भी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड के अलावा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो हमें आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, उनके अलावा हमारा एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आता है जो कि ऑब्वियसली आप खुद से प्रिंट करके खुद ही साइन करते हो। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। और सबसे ज़रूरी ये बात समझना है कि डॉक्यूमेंट्स को आपको हर साल नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही साल बनाया और उसको अपने एक फाइल में आपने फिट कर लिया कि दिस इज़ माई स्कॉलरशिप फाइल।
वो आपका स्कॉलरशिप फाइल बन गया। अब आपको हर साल सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट को अपडेट करना है और स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है।